देखो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, एक नंबर को 20% बढ़ा दिया, एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फाइंड नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अब बच्चे तो समझते हैं कि नंबर को 20% बढ़ाया और फिर 20% कम कर दिया तो उतना ही हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, कैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेट नंबर बी एक्स, नंबर की वैल्यू एक्स है, तो किसी का भी 20% कैसे बढ़ाएंगे, एक्स प्लस 20/100 इंटू एक्स, ये 20% बढ़ गया, 120x/100, इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6/5x, ये अब नंबर इतना हो गया। अब कह रहा है अब इसमें से 20% कम कर दिया, तो इस नंबर का 20% कम कैसे करेंगे, 6/5x-20%, 20% किसका, 6/5x का, तो ये लिखना यहाँ जरूरी है, तो अब ये न्यू नंबर हो गया, देखें सॉल्व करके कितना आता है, 6/5x कॉमन ले लो, 1-20/100, तो 6/5x एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 80/100, तो नया नंबर हो गया 24, नया नंबर हो गया 24/5x। अच्छा ओरिजिनल नंबर क्या था, x, और नया नंबर है 24/25x, तो ये वैल्यू कम है x से या ज़्यादा है, तो ये वैल्यू जो है ये कम है क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ा है, डिनोमिनेटर बढ़ा है तो वैल्यू एक्स से कम आएगी, यानी कि ये 1x से कम आएगी, और अगर ये 1x से कम आ रही है तो नंबर कम हो गया है, तो हम निकालेंगे कितना डिक्रीज हुआ, ये पूछा ना कितने परसेंट डिक्रीज या इंक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ है, कितने डिक्रीज हुआ, एक्स माइनस 24/25x, एलसीएम ले लेंगे 25x-24x, तो ये कितना आ गया, x/25। अब हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला होता है डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। किसी का भी डिक्रीज या इंक्रीज निकालना हो, जैसे परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो तो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100, पर यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100, तो डिक्रीज कितना हुआ था, x/25, और ओरिजिनल नंबर क्या था, x/100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/25 इनटू 100, कैंसिल करेंगे 25 4 द 100 होता है, तो 4% डिक्रीज हो गया।